आज सुबह एक महिला ने एतमादपुर थाने पर आके सूचना दी कि कल उसने नोएडा से वो चली थी, एक टैक्सी की थी जो शेयर टैक्सी थी, इको गाड़ी, और ये लगभग 8:30 बजे सेक्टर 37 से चलना बताया, और वहाँ से वो टैक्सी फिरोज़ाबाद के लिए चली थी। इस महिला का कहना है कि उसमें से तीन जो लड़के थे बाद में, उन्होंने इसके साथ यमुना एक्सप्रेसवे पे दुष्कर्म किया और उसके बाद उसको एतमादपुर के पास छोड़ दिया, जहाँ से उसको ऑटो करवा के फिरोज़ाबाद भेजा। महिला ने आके सुबह एतमादपुर थाने पे बताया और उसकी तहरीर पे मुकदमा कायम किया गया है, उसका मेडिकल करवाया जा रहा है, और टोल पे जो सीसीटीवीज हैं उससे देख के उस इको गाड़ी को एप्रीहेंड कर लिया गया है, और जो उसमें तीन लड़के थे उनको भी, तीनों को पकड़ लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही, बाकी अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और इस पूरे घटना में जो भी लोग इन्वॉल्व थे उन सबको पुलिस ने पकड़ लिया है, अब आगे की कार्रवाई की जा रही है।